पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिवराज सरकार को आम जनता की बात कर उनकी सहायता करनी चाहिए, मजदूरों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मजदूरों की मौतें मध्य प्रदेश में हुई है, मध्य प्रदेश सरकार फेल हो चुकी है। पहले तो सरकार कह रही थी कि जितने भी गरीब हैं इनके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे, 500 रुपये डाले जाएंगे, 1000, वो तो आज तक डले नहीं। किसानों का जो अपनी फसल है उसको जो लेके आ रहे हैं, जैसे आज अगर लेके आ गए, आपका नंबर आया और आज आप ले आए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई नंबर ही नहीं आता। दूसरा जो पेमेंट है वो एक एक महीने बाद हो रहा है। अभी रायसेन की वो आई थी कि 900 करोड़ रुपया हो गया है, वहाँ 450 करोड़ मिला है, उसके वीडियो है मेरे पास, 450 करोड़ रुपये किसानों का पैसा नहीं मिला है। तो किसानों को पहले अपना पैसा तो दे दो, फिर बाकी बात करें। और दूसरा जो कमलनाथ जी की सरकार ने जो रेंट माफ़ी उनकी की थी, सरकार को उस योजना को पूरा करना चाहिए। और 55 लाख किसानों को जिसका एक पूरा प्रोग्राम दे दिया था आगे तक का, उस प्रोग्राम के हिसाब से उनके अकाउंटों में पैसा डाले शिवराज जी की सरकार, ये हमारा आग्रह है। ये है कि पूरे देश में अभी तक पहले 4000 मैक्सिमम आते थे एक दिन का, 24 घंटे का, फिर 5 आया कल परसों, आज है 6000 से ऊपर, ये चिंताजनक है। और हम 1 लाख से ऊपर पहुँच गए। और कल मैं कोई एक्सपर्ट डॉक्टर का सुन रहा था, उनका तो कहना ये है कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग एक तरह की हो चुकी है, और ये जो लोग मजदूर जो आ रहे हैं पूरे देश में अपने घर और गांव जा रहे हैं, इससे ये और फैलेगा। टेस्टिंग आज भी कम हो रही है, और ये जब तक इसका वैक्सीन या कोई ना कोई दवा नहीं आएगी तब तक मुश्किल होगा। अमेरिका में, अमेरिका की हम बहुत बात करते हैं, लेकिन अमेरिका में एक रेमडेसिविर करके एक दवा निकल गई, मैंने 15-20 दिन पहले बताया था कि वो जो दवा है, या तो कंपनी को बुला के यहाँ पे वो प्रोड्यूस हो, या वो दवा वहाँ से, जैसे मोदी जी ने वहाँ भेजी थी दवाएँ लोकिन वगैरह, ऐसी मंगाएं वहाँ से, जिससे वो वैक्सीन या वो दवा जो इंजेक्ट के रूप में, इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, अगर वो होगी तो मैं समझता हूँ बीमारी को रोकथाम हो पाएगी। नहीं तो जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि जून और जुलाई में ये आंकड़े और बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो तैयारियों की आवश्यकता थी वो हो नहीं रही है। दूसरा, शराब की दुकानें चारों तरफ खुल गई हैं, ये बात अलग है कि मिठाई की नहीं खुल रही है, या मंदिर नहीं खुल रहे हैं, या धर्म स्थल नहीं खुल रहे हैं, लेकिन शराब की दुकानें भोपाल में ग्रामीण क्षेत्र में दे दी है परमिशन, ये भी और संक्रमण फैलाएगा। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।